चॉकलेटी वनीला केक विद चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, ये बहुत यम्मी लगती है। आज मेरे घर में ओकेजन है, मेरे बेटे की फरमाइश है कि मुझे भी चॉकलेट केक बनाना चाहिए, तो या फिर मतलब चॉकलेट की कुछ भी आ जाए। दोस्तों, वनीला केक बनाने के लिए हमें जो चाहिए उसमें सबसे पहले आता है मैदा। ये है 1 कप मैदा, ये है 1 कप पाउडर्ड शुगर, शुगर ली थी हमने उसको ग्राइंड कर लिया है, या फिर आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हो। 4 अंडे लिए हैं, 4 एग्स, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून। हमने बेकिंग पाउडर को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। हम अंडों को वाइट एग वाइट अलग कर लेते हैं और योक अलग कर लेते हैं, यानी अंडे की येलो जर्दी जो होती है उसको अलग कर लेते हैं और सफ़ेद जर्दी को अलग कर लेते हैं। दोस्तों, हमने 4 एग्स लिए थे, उसकी वाइट को अलग कर लिया है, यानी एल्बुमिन अलग हो गया है और योक अलग हो गया है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से दोनों को अलग अलग बीट करते हैं। एग वाइट है वो इस तरह से क्रीमी कंसिस्टेंसी की हो गई है, अब हम येलो वाइट को बीट करते हैं, इसको साइड में करते हैं। दोस्तों, हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पाउडर्ड शुगर। दोस्तों, ये देखें हमारी एग येलो की जो योक की जो थी वो भी क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब हम इसको एग वाइट में ऐड करते हैं। हमने दोनों को ऐड कर दिया है, अब इसको एक बार बीट कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेनिला एसेंस। अच्छे से मिक्स कर लें वेनिला एसेंस डालने के बाद। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने मिक्स करके रखा था, इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके अच्छे से फोल्ड करेंगे। दोस्तों, हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, केक के बैटर को, और हमने ये बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया है बटर से। अब हम सारा बैटर इसमें शिफ्ट कर देंगे और ओवन को प्री हीट होने रख देंगे। दोस्तों, सारा बैटर इसमें शिफ्ट कर देंगे हम। ये बैटर हमारा हो चुका है, केक का बैटर। हम ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। फिर हम केक को बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए। दोस्तों, हमने बैटर शिफ्ट कर दिया है, हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है। अब हम इसे जैसे एंड बटन आएगा, जैसे एंड होगा हम इसको रख देंगे अंदर। हमने बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है, ये देखें माशाल्लाह। फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं, यानी गिनाश बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट्स। ये हमने लिए हैं 400 ग्राम चॉकलेट्स, मीठे वाले। आप कोई भी कैडबरी का चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं ये 200 ग्राम्स बटर, और हम इन दोनों को इसमें डाल देते हैं, और इसको हम रख देते हैं माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए, ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखें। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। हमने केक के 2 स्लाइस में कट कर लिया है। ये है मिल्क, हमने मिल्क में 1/2 कप मिल्क में 1 टीस्पून शुगर डाल के घोल लिया है। ये सिरप हम इसके ऊपर डाल रहे हैं।
यह है गिनाश जो हमने बनाई थी, इसको हम अभी लगाएंगे। हमने दूसरी लेयर रख दी है, अब इसके ऊपर हम गनाश लगाएंगे। इसको पूरी तरह से लगा के कवर करेंगे हम। दोस्तों पेश खिदमत है वनीला केक विद चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ज़रूरतमंद की मदद करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।